हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 10 HP का कंप्रेसर है। इसको चलाने में कंप्रेसर में साउंड आ रहा है। अब साउंड किस चीज़ का है ये चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो से, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले तो इस कंप्रेसर को चालू करते हैं, इससे दिखाता हूँ आवाज़ कैसी आ रही है। नॉन इटर वॉल्व भी खराब हो सकता है जिसकी वजह से यह साउंड क्रिएट कर रहा होगा। तो पहले इसका नॉन इटर वॉल्व खोलते हैं, पहले तो इसकी हवा निकालते हैं, जो टंकी में सारी हवा है वो निकालते हैं, उसके बाद इसका नॉन इटर वॉल्व खोलेंगे। खोलेंगे उसके अंदर चेक करेंगे वॉशर वगैरह कोई कट तो नहीं गई है, कुछ और कमी तो नहीं है। चलो इसको खोलते हैं, पहले हवा निकल जाए। ध्यान रखिएगा हवा पहले पूरी खाली कर दीजिएगा, उसके बाद चक्र में खोलेगा, नहीं तो बहुत जोर की चोट लगेगी। इसे पहले हवा निकल जाए उसके बाद देखते हैं। ये चक्र खोलेंगे यहाँ से, ये देखिए, तू हूँ मत बोल, मैं अपना पकड़ करूँगा। देखिए चक्रेट खोलनी है, हवा निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद पूरी चक्रेट खोलेगा, नहीं तो बहुत जोर की पटाखा मारता है। देखिए हवा की आवाज़ ख़त्म हो गई, अब इसको खोलेंगे। ये इसका चक्रेट का वो है स्प्रिंग, ये रहा पिस्टन। देखिए बिल्कुल वॉशर कटा पड़ा है और अंदर की कंडीशन बेस्ट है, अंदर कंडीशन ओके है, सीट ख़राब नहीं हुई। अब चला के चेक करते कंप्रेसर की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। चला बेटा, हम चेक करते कंप्रेसर में आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। देखिए कंप्रेसर का कोई साउंड नहीं है, ये चेक वाल्व का साउंड था। चेक वाल्व में ये वॉशर ख़त्म हो गई थी, इसके ऊपर वॉशर होती है, वॉशर ख़त्म हो गई थी, ये डायरेक्ट जाके उससे एल्युमिनियम से टकरा था जिसकी वजह से ये साउंड कर रहा था। तो अब आप बेसिकली कस्टमर को बोला था कि कंप्रेसर में आवाज़ है। अब देखिए कंप्रेसर में कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है। अब मैं इसकी वॉशर लगाऊंगा, उसके बाद चला के आपको दिखाऊंगा। देखिए चेक वाल्व बदलने का तरीका ये है, इसकी चकने ढीला करेंगे, ये वॉशर लटकी, ये चेक वाल यहाँ लग जाएगी इसके आने। ये देखिए ये वॉशर लगा दी है, इसको चकने टाइट कर देंगे। ये पूरी सीट बैठ जाएगी, देखिए टाइट है, पूरा सीट बैठ गया। इसके बाद इसको अच्छी तरह कसाई कर दीजिएगा। अब आप उस पर जाके फिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये ऐसे फिटिंग होगी, इसकी जंप ज़रूर चेक कीजिए, ये जंप प्रॉपर लेना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। इसको जंप ले रहे हैं, अब इसको इसके अंदर ये देखिए ये इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। तो चाबी से मैं कस देता हूँ इसको, अभी तो हाथ से कसा जा रहा तो हाथ से कस रहा हूँ, इसके बाद चाबी से कसेंगे और उसके बाद चला के देखते हैं। फिल्टर लगा दूंगा, चाबी से कस देते हैं, अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा। टाइट करने के बाद मिलता हूँ आपको मैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको चकनेट को चाबी से टाइट किया, जोर लगा के। अब आपको मैं इस पर फिल्टर्स लगा के फिर चला के दिखाता हूँ कि साउंड कैसी आ रही है, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए फिल्टर लगा दिए हैं, इसका साउंड अब आपको प्रॉपर नॉइज़ पता चलेगा कैसा नॉइज़ है। देखते हैं ये ऑटो कट से बंद था, अब देखिए साउंड में कितना डिफरेंस आ गया। पहले खट 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 मार रहा था,
कोई खटखट करनी है, बिल्कुल स्मूथ एंड रनिंग है। अब देखिए जब कट मारा है यहाँ से जो हवा थोड़ी बहुत निकलेगी इसके बाद बंद हो जानी चाहिए, अगर ये बंद नहीं होती इसका मतलब आपका ये चेक वाल्व खराब है। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास पहुंच सके। तो आज के लिए गुड बाय।